शिक्षा मित्र केयर समिति के तत्वावधान में होली मिलन समारोह बड़ी सादगी के साथ संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने बताया, शिक्षा मित्रों को होली पर्व की बधाई दी व सरकार की सौतेली नीतियों के खिलाफ हुंकार भी भरी। उन्होंने गूंगी बैरी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जिला अध्यक्ष विजय संखवार सुशील तिवारी ने बताया कि उनकी संस्था दिवंगत शिक्षा मित्रों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाते हैं ताकि उनके परिवार की जीविका चल सके। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था अब तक 16 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दे चुकी है, साथ ही साथ संस्था बेटियों के विवाह समारोह में भी सहयोग करती है। इसके पूर्व होली की बधाई दी गई। समारोह में मुख्य रूप से सुमित द्विवेदी, अनिल विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। देखे खास रिपोर्ट कानपुर से। शिक्षा मित्र केयर समिति संस्थापक आज पूरे जनपद से सैकड़ों की संख्या में यहां पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। शिक्षा मित्र केयर समिति के अंतर्गत एक वार्षिक बैठक का आयोजन एवं होली मिलन समारोह का ये कार्यक्रम रखा गया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपने दिवंगत जो हमारे साथी हमारे बीच नहीं रहे हैं, जो केयर समिति के सदस्य थे, उनके दिवंगत परिवारों को केयर समिति मदद करती है, उनकी बेटियों की शादी के लिए मदद करती है। और अब तक लगभग हम लोग 15 लाख रुपए की मदद अपने दिवंगत साथियों को उनकी बेटियों की शादी के लिए कर चुके हैं। आज की बैठक में किसी को आर्थिक रूप से मदद करी गई? जी, आज की बैठक में हमारे सुरेंद्र कुमार जो शिक्षा मित्र साथी थे और वो एक्सपायर कर गए थे, उनको 1,65,000 रुपये की चेक सौंपी गई है। ये वो लोग हैं जो सरकार की सेवा में लगभग 15 से 20 सालों में है, और 20 सालों में हम लोगों ने बेसिक शिक्षा को सीखने का काम किया है। और आज जब उनके वो लोग नहीं रहते हैं तो ना विभाग हमारी मदद कर रहा है, ना सरकार मदद कर रही है, ना स्थानीय स्तर का कोई विधायक या सांसद मदद कर रहे हैं, वो भी तब जब 10,000 रुपये न्यूनतम मासिक मानदेय, वो भी 11 महीने का मिलता है। अब तक संस्था की ओर से कितने दिवंगत साथियों की मदद की जा चुकी है? अब तक संस्था की तरफ से लगभग 5 दिवंगत साथियों को मदद की जा चुकी है। उसके बाद लगभग 3 दर्जन के आसपास जो बेटियों की शादी थी उनके लिए सहयोग किया जा चुका है। टोटल अगर सहयोग हम काउंट करें तो लगभग 16 लाख के ऊपर जा रहा है। आज होली मिलन कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ है? आज मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृपाल जी शुक्ला, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के थे, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक, जैसे भी होगा हम आपकी बात को, आपकी पीड़ा को पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इस बैठक में हमारे शिक्षा मित्र केयर समिति के जो सह संस्थापक हैं वो मौजूद हैं, जिला संयोजक, जिला सह संयोजक, मंडल संयोजक, सभी लोग आए हैं, और जो हमारे कानपुर के शिक्षा मित्र हैं वो लोग भी सारे लोग आए हैं। क्या शिक्षा मित्र का आगे चल के कुछ भला होगा, या आप सरकार के लिए अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं उस पर आपका क्या रणनीति रहेगी? देखिए, वर्तमान के जो हालात हैं उसमें अभी हमने एक लखनऊ में कार्यक्रम किया था, शिक्षा मित्र के जितने सारे संगठन से सभी लोगों ने मिल करके लखनऊ में कार्यक्रम किया और अपनी बात को माननीय सांसद महोदय जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी तक पहुंचाने का काम किया। उनसे आग्रह किया कि वर्तमान में जो शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख के आसपास हैं, ये सारे लोग एक न्यूनतम वेतनमान या ये कहें एक न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय पर काम कर रहे हैं विगत 20 सालों से। मेरी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक ये मार्मिक अपील है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित वेतनमान, क्योंकि वो सभी लोग क्वालिफाइड हैं, स्नातक हैं, टेट हैं और पूरी योग्यता एनसीटी के हिसाब से रखते हैं, तो उनको देने का काम। ठीक।